राजस्थान प्रदेश की के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर डोनेट फॉर देश के अंदर हिस्सा लिया कि आज राजस्थान का प्रदेश पूरे देश के अंदर पहले नंबर पर अपनी डोनेशन के माध्यम से चल रहा है। और जहां तक न्याय यात्रा की बात है, आप सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के माध्यम से इस देश के अंदर जो भी भाजपा की सरकार के द्वारा पिछले 9 साल के अंदर जो न्याय हुआ, अन्याय हुआ, उसके खिलाफ AICC ने डोनेट फॉर न्याय के नाम से चालू किया है, जिसकी शुरुआत 3 दिन पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से चालू हुई और पहले दिन 2 घंटे के अंदर लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि का हम सब लोगों को उस माध्यम से, उस ड्राइव से पहले 2 घंटे में उसके अंदर हमारे को इजाफा हुआ। तो लगभग 20 करोड़ रुपया आज पार्टी को अलग अलग प्रदेशों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं और नेताओं के माध्यम से सहयोग मिला है। जी सर, लाओ डोनेट फॉर न्याय कार्यक्रम कैसा है राजस्थान में, किस तरह इसको आगे बढ़ाएंगे? आदरणीय हमारे प्रदेश, राजस्थान प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, हमारे CLP लीडर और हमारी यहाँ के सेक्रेटरी ICC अमृता जी, सबका मैं पहले स्वागत करता हूँ और इनका धन्यवाद करता हूँ कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से पहले डोनेट फॉर देश का प्रोग्राम चला, तो उसके अंदर भी हमारे राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष और CLP लीडर और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब और सचिन जी, सब लोगों के सहयोग के साथ राजस्थान प्रदेश की के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर डोनेट फॉर देश के अंदर हिस्सा लिया, भाग लिया। और आज मुझे ये कहने में पूरा गर्व महसूस होता है और मुझे राजस्थान प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देने का काम भी मैं करता हूँ कि आज राजस्थान का प्रदेश पूरे देश के अंदर पहले नंबर पर अपनी डोनेशन के माध्यम से चल रहा है। और जहाँ तक न्याय यात्रा की बात है, आप सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के माध्यम से इस देश के अंदर जो भी भाजपा की सरकार के द्वारा पिछले 9 साल के अंदर जो न्याय हुआ, अन्याय हुआ, उसके खिलाफ जो यात्रा चल रही है, उसके साथ एक नया प्रोग्राम AICC ने डोनेट फॉर न्याय के नाम से चालू किया है, जिसकी शुरुआत 3 दिन पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से चालू हुई और पहले दिन 2 घंटे के अंदर बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के साथियों ने और सभी प्रदेश और साथ के साथियों ने बड़े पैमाने पर उसके अंदर योगदान किया और लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि का हम सब लोगों को उस माध्यम से, उस ड्राइव से पहले 2 घंटे में उसके अंदर हमारे को इजाफा हुआ। और अगर अभी तक का आंकड़ा देखा जाए, चाहे वो डोनेट फॉर देश की बात हो, चाहे डोनेट फॉर न्याय की बात हो, तो लगभग 20 करोड़ रुपया आज पार्टी को अलग अलग प्रदेशों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं और नेताओं के माध्यम से सहयोग मिला है। और आज उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज राजस्थान के प्रदेश में आया हूं और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे अध्यक्ष जी का और हमारे CLP लीडर साहब का और सभी नेताओं का, जिन्होंने इसके अंदर सहयोग करने का साथ दिया। और आज की जो ये हमारा जो प्रोग्राम है, इसमें 670 रुपये से लेकर 6,70,000 या कोई भी अधिक भी देना चाहता है, ये प्रोग्राम हमने 3 दिन पहले चालू किया था और हम इस प्रोग्राम को हर प्रदेश में लेकर जा रहे हैं। और ताकि हमारे बूथ स्तर के ऊपर काम करने वाला जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ और भावना रखने वाला जो कार्यकर्ता है, वो इसके अंदर UPI के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर अपना डोनेट कर सके और अपना पार्टी को मजबूती के साथ जुड़ सके। और उसी के संदर्भ में आज हम इकट्ठे हुए हैं और जो साथी 670 से और 670 से ज़्यादा डोनेट करेगा, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, उसको राहुल गांधी जी के हाथ के दस्तखत हुआ टी शर्ट उसको दिया जाएगा और एक बैंड दिया जाएगा और एक बैच दिया जाएगा और कुछ स्टिकर्स दिए जाएंगे। ये एक किट हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयार की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सदस्यता अभियान के अंदर भाग ले सकें, इस डोनेट फॉर न्याय के अंदर भाग ले सकें। और आज इसकी शुरुआत हम राजस्थान के प्रदेश से कर रहे हैं और बहुत सारे हमारे नेता, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आज मौजूद हैं, जिनके माध्यम से आज डोनेशन होगा
ऑनलाइन ये पैसा यूपीआई के माध्यम से या आरटीजीएस के माध्यम से दिया जाएगा। कई बार किसी के क्रेडिट कार्ड के अंदर लिमिट लगा होता है, कई बार यूपीआई की पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती तो हमारे को आरटीजीएस करना पड़ता है। तो जब ये सारी पेमेंट AICC के साथ जमा हो जाएगी तो साथ ही ऑनलाइन ही उसका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा कि उस और राहुल गांधी जी के हाथ से दिया हुआ मैसेज भी जनरेट हो जाएगा। और आज जो भी पैसा यहां पर इकट्ठा होगा शाम को हम प्रेस के, क्योंकि आप सब प्रेस के साथी यहां पे ऑलरेडी मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं और CLP लीडर साहब मौजूद हैं, तो सभी नेताओं के माध्यम से उनके सहयोग से जो भी पैसा आज इकट्ठा होगा वो शाम को हम एक प्रेस रिलीज के माध्यम से आप लोगों के पास उसकी खबर करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।